नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus versus Realme 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 6.4 इंच जबकि 12 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 14 Pro Plus से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 2.94 इंच जबकि 12 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 14 Pro Plus से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 14 Pro Plus में 210.8 ग्राम जबकि 12 Pro 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Note 14 Pro Plus में 20:9 जबकि 12 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 6.67 इंचेस जबकि 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 14 Pro Plus में 1220x2712px FHD+ और 12 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 14 Pro Plus में 88.49% जबकि 12 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 14 Pro Plus में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Adreno 740 जबकि 12 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 14 Pro Plus में 12GB की RAM मिलती है, जबकि 12 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 14 Pro Plus में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 12 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Note 14 Pro Plus में 6200 mAh जबकि 12 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 3 कलर्स जबकि 12 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो नोट 14 प्रो प्लस में एक ही वेरियंट देखने को मिलता है जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 2,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 प्रो 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,849 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 23,885 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 14 प्रो प्लस आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा वीवो Y200 Pro 5G है, तीसरा मोटोरोला Edge 50 Fusion 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y58 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।